ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को जो हियरिंग हुई थी उस हियरिंग को वैसे तो सबको पता है कि तीन महीने का टाइम कोर्ट ने दे दिया है लेकिन उसका एक रिटर्न जजमेंट एक ऑर्डर जो है आना बाकी था जो कि अब वेबसाइट पर अपडेट कर दी गए मैं आपको ले आया हूँ सीधा वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ये हमारा केस नंबर है अठारह इंडियन एक्सप्रेस मूवमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस डिटेल दिखा देता हूँ पहले अट्ठारह एक सौ चौरासी दो हज़ार बाईस नौ जून को रजिस्टर किया गया था अभी ये डिस्पोज्ड है कंडीशन आप देख पा रहे हैं क्लियर सा मेंशन है डिस्पोज्ड एंड हॉनेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड हॉनेबल जस्टिस एम एस जस्टिस हेमा कोहली ने इसको सुना था स्टेटस में दिखाया गया है हियरिंग डिस्पोज मोशन हेयरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस डिस्पोज ऑफ ऑर्डर डेटेड 16 सितंबर 2022 टाइप डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है अब मैं आपको इसकी सीधा जजमेंट दिखा देता हूं जजमेंट में क्या कुछ लिखा है और ये जजमेंट है दोस्तों ये जजमेंट की कॉपी है आप इसको देख सकते हैं देखिए एम ए पंद्रह नब्बे दो हज़ार कोर्ट नंबर टू में ये हियरिंग होती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स और ये एक मिसलियंस एप्लीकेशन थी टाइम एक्सटेंशन की अपील थी इंडियन एक्सरस मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 16 सितंबर को दिस पिटिशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग एंड कॉरम था हॉनेबल डॉक्टर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड हॉनेबल एम एस जस्टिस हिमा कोहली पिटिशनर आप देख सकते हैं रेस्पोडेंट आप देख सकते हैं ऑर्डर की कॉपी है ये इसमें कोई किसी तरह का फेकनिज्म नहीं है अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मैट द फॉलोइंग ऑर्डर पहला द टाइम पीरियड ऑफ द थ्री मंथ्स विच वाज़ फिक्सड इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 16 मार्च 2022 थाउजेंड इज एक्सटेंडेड बाई पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम टुडे यानी कि 16 मार्च को जो जजमेंट दिया था उसमें जो तीन महीने का टाइम गवर्नमेंट को दिया गया था कोर्ट द्वारा उसको आज की तारीख से और तीन महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है द मिसल्स एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली डिस्पोज और इसी के आधार पर ये जो एप्लीकेशन है टाइम एक्सटेंशन की वो डिस्पोज ऑफ की जाती है तो ये ऑर्डर था आई होप कि अब सबको आपको क्लियर हो गया होगा कि अब तीन महीने का एक्सटेंशन जो है जो कोर्ट ने दिया था जो न्यूज़ द्वारा सुना था वो कोर्ट ने ऑर्डर में भी बता दिया है और टाइम एक्सटेंशन किया है गवर्नमेंट का ना कि नेक्स्ट डेट दी है यानी कि इस टाइम से पहले पहले कोर्ट ने बोल दिया है कि इस टाइम से पहले पहले आपने ओ आर का रिविजन एरियर देना है दैट इज़ द लास्ट न्यूज़ फॉर द ओ आर ओ पी वी विल बैक ऑन द ओआरओपी ओ पी आफ्टर थ्री मंथ्स दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो थैंक यू जय हिंद फॉर द नेक्स्ट